वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास सेकंड मैथ्स। मैं आज आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में समझाऊंगी। यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर 164 में यहाँ पर 6 को मैंने अंडरलाइन किया। स्टूडेंट्स, आपका फेस वैल्यू आपका ये 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। और उसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। प्लेस वैल्यू आएगा हमारे यहाँ पर वंस एंड टेंस। तो हमारा ये 6 क्या है? 6 टेंस है। तो हम इसको और 60 भी लिख सकते हैं। 6 टेंस का मतलब हो गया 60। ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा नंबर है 209। तो यहाँ पर फेस वैल्यू आपका आएगा 9। फिर उसके बाद आएगा आपका बिल। प्लेस वैल्यू क्या हो गया? वंस हो गया। तो हो गया 9 वंस। वंस लिखेंगे तो उसको और क्या लिखेंगे? इसको एज इट इज 9 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा 250। अब यहाँ पर फेस वैल्यू आपका है 2 है, और इसका फेस वैल्यू क्या हो गया? 1 10 100। तो ये क्या हो गया हमारा? 200। स्टूडेंट्स, भी हम इसको ऐसे लिखेंगे और 200, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आएगा 158 में यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है आपका? 8 है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 8, ये कौन सा है? 1s। तो 8 1s लिखेंगे और 8 एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब लास्ट में आता है 192 थी। कौन से नंबर पे अंडरलाइन किया है? 9 पे। तो आपका फेस वैल्यू हो गया है 9। तो फिर प्लेस वैल्यू हो गया 1s 10s। तो ये आएगा 9 10s और 9, ओके स्टूडेंट। ये आपका वर्क तो कॉपी में करना है, ये आपका CW है, ओके स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट व्हाट कम्स बिफोर। हमें वो नंबर लिखना है जो उससे पहले आता है। अब मैं एक नंबर लिख रही हूं, जैसे कि यहां पर है 10, ओके स्टूडेंट्स 10 है। तो 10 से प्लस 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 9 आएगा। इसलिए हम उसे कहेंगे व्हाट कम्स बिफोर, माने 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा हमें उसे लिखना है। सेकंड में डैश 18 से पहले कौन सा आएगा? 17। थर्ड में 20 तो 20 से पहले क्या आएगा आपका? 19। फोर्थ डैश 29 से पहले कौन सा आएगा आपका? 28। एंड फिफ्थ वाला है डैश 19 से पहले क्या आएगा आपका? 18, ओके स्टूडेंट्स। ये आपका वर्क CW का है, ये आपको कॉपी में, मैथ्स की कॉपी में करना है, ओके स्टूडेंट्स।